प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बुलंदशहर में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, 14 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। हरदोई में पीआरडी अफसर पर लगा रिश्वत का आरोप, वीडियो वायरल हुआ। मैनपुरी में गौशाला कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, जिलाधिकारी से वेतन देने की लगाई गुहार। देवरिया में प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर जायसवाल ने शिक्षा और विकास को बताया महत्व। कुशीनगर में टीबी मुक्त अभियान की मिली गति, रोटरी क्लब ने 26 मरीजों को लिया गोद। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल विद्यालय परिसर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की। हम जो कुछ भी टेस्ट करते हैं, चाहे वो एग्जाम्स हो या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, स्कूल्स के एग्जाम होते हैं और जो बाकी कॉम्पिटिशंस या दूसरे एग्जाम्स हैं, वो एक पर्टिकुलर फैकल्टी को टेस्ट करते हैं। आपका बच्चा अगर एक फैकल्टी में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकता है या नहीं कर पाया, तो इसमें हताश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी कौन सी फैकल्टी, कौन सी कॉग्निटिव फैकल्टी ज्यादा विकसित है, उसको सपोर्ट वहां से देना चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। लखनऊ में जानकीपुरम सेक्टर जी में यूरो किड्स स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन बुद्धा रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि यूरो किड्स के डायरेक्टर अंशुमन शुक्ला ने बताया कि कोरोना काल के समय में काफ़ी समय तक स्कूल बंद रहे और इसके चलते ये कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हो पाया। वहीं अब काफ़ी लंबे समय बाद वार्षिकोत्सव का समापन किया गया है। जी, इस कार्यक्रम में ख़ास ये था कि जैसे ये यूरो किड्स जानकीपुरम ब्रांच का छठा वार्षिकोत्सव था और कोविड के दो साल के पीरियड के बाद ये पहला एक बच्चों का वार्षिकोत्सव था, तो इसमें हमें ये देखना था कि बच्चे जो दो साल में घरों में बंद रह गए, वो किस तरह से स्टेज पे उनका क्या रिएक्शन आएगा, कैसा क्या रहेगा। और दो साल से छः साल के बच्चे जो एक प्री स्कूल एज में होते हैं, इस टाइम पे उनका उनके डेवलपमेंट्स इतने रैपिड होते हैं, उनको कैचअप करना और उस बेसिस पे बच्चों से परफॉर्मेंसेस निकालना एक स्टेज के ऊपर, तो यही बस हमें एक परीक्षा का घड़ी था। तो मेरे ख्याल से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सारे अभिभावकों ने और जो भी हमारे गेस्ट थे सब ने काफ़ी इंजॉय किया। अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने बरेलवी में दिल्ली जामा मस्जिद के भीतर महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद दिल्ली में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाना बिल्कुल जायज है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामी शरीयत ने बहुत पहले ही महिलाओं को मस्जिद और दरगाहों पर जाने से रोका है। जामा मस्जिद दिल्ली की इंतजामिया ने जो फैसला किया है कि यहाँ पर ख़वातीन का दाखला ममनू है और ख़वातीन ना आए, तो ये फ़ैसला बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी साहब के ज़रिए नोटिस चस्पा किया गया, तो उन्होंने जो फ़ैसला किया वो शरीयत की रोशनी में फ़ैसला किया है और शरीयत इस्लामिया ने आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से मस्जिदों में, दरगाहों पर और मज़ारात पर औरतों की हाज़िरी
और उनके दाखिले को ममनू करार दिया है। उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के बायर सेलर मीट कार्यक्रम में शामिल होने गाजीपुर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। उन्होंने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर कहा कि जनता जानकार परिवारवाद की राजनीति को नकार विकास कार्य करने वाली पार्टी को जनता भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। इस दौरान आयुष मेडिकल कॉलेज में हुई धांधली का एसटीएफ से जांच कराने की जानकारी दी और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विरासत उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जो लोग खानदान की राजनीति करते थे, परिवार की राजनीति करते थे और राजनीति को अपनी विरासत समझते थे, वो तिलस्म अब टूटने लगा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने कैसे फैसले किए हैं। फैसले आपको बता देंगे कि ये परिवारवाद टूट रहा है और ये विरासत टूट रही है। औरैया की सदर कोतवाली पुलिस ने जनपद में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए स्थानीय पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की गई है। मुख्य सरगना पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी शातिर किस्म के अपराधी हैं, फिरोजाबाद से वाहन चोरी कर अन्य जनपदों में खरीद फरोख्त का धंधा करते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध अपराधियों के अंकुश लगाने के क्रम में कोतवाली औरैया के द्वारा जो एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे थाना क्षेत्र के राजंदाजपुर के में खंडहर है, वहां पर कुछ युवक कुछ बाइकों को बेचने के फिराक में खड़े हैं। तत्काल सूचना पर थाना पुलिस और एसओजी टीम द्वारा मौके दबिश दी गई। वहाँ पर जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहाँ से 7 बाइकें भी बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक सेवा संस्था रोटरी क्लब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के टीवी मुक्त देश बनाने की मुहिम को गति दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के चिकित्सा अधीक्षक 26 क्षय रोगियों की सूची मांगी और उनके 6 माह तक संपूर्ण इलाज कराने का संकल्प लिया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने टीबी मरीजों को पोषक तत्वों और पौष्टिक आहार भी वितरित किए। मैनपुरी के गुराई गांव में बने गौशालियों में गांव की देखरेख करने वाले कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 4 महीने से गायों की देखरेख कर रहे हैं लेकिन उन्हें वेतन का भुगतान नहीं हुआ। नाराज गौशाला कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर वेतन देने की मांग की है। हम लोग गौशाला जो है एक वृद्ध गौरक्षण है, ये बुराई में 3 साल से वहाँ कार्यरत हैं और वहाँ मेहनत कर रहे हैं और कोई छुट्टी नहीं है। वहाँ पर जो है 6,000 रुपए मिलने लगे थे, अब वो भी बंद कर दिए, 4 महीने से कुछ नहीं ले रहे। हरदोई पुलिस ने स्वाट सर्विलांस और एसओजी टीम की मदद से मादक पदार्थ के तस्करी से संबंधित 4 शातिर आरोपियों को सघन चेकिंग के दौरान हिरासत में ले लिया। तस्करों की गाड़ी की डिग्गी से करीब 305 ग्राम स्मैक बरामद की हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर अन्य थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। एसपी राजेश द्विवेदी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जानकारी दी है। सीतापुर में एक आपराधिक घटना हुई थी, उसी के तहत जनपद हरदोई में ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया, जिसमें कल 23/24 की रात में 4 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से कुल मिलाकर के लगभग 305 ग्राम प्योर स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए होगी। इसमें से 2 अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी पता लगा है। एक मूल उस्मानी करके है यहाँ जनपद का, इसके विरुद्ध चोरी और छेड़छाड़, गैंगस्टर आदि NDPS के ढेरों मुकदमे हैं। कुशीनगर के बरडीहा गांव के निवासियों ने लेखपाल अधिकारी के तबादले की मांग को लेकर जिला कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4 सालों से घूसखोर लेखपाल एक ही गांव में तैनात है।
तत्कालीन उप जिलाधिकारी कोमल यादव ने तबादले के आदेश जारी किए थे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत पत्र उप जिलाधिकारी तहसीलदार कप्तान को देकर घूसखोर लेखपाल के तबादले की मांग की है। मेरे जमीन में जबरन कब्जा हुआ है, उसके बाद तहसील में बोला है, लेखपाल को बोला है थोड़ा सर हमारा जमीन नाप दीजिए, बोला है जमीन अभी नपेगी नहीं, आए दिन मुकर जाते हैं। कई बार SDM तहसीलदार और DM को दरखास्त दिया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने सुबोध कुमार गौतम से खतौनी मांगना, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि हम आपको बताएंगे, समय बताएंगे। हमने पूछा कि भैया क्यों समय बता रहे हैं, कि ऐसा है कि हमको पैसे चाहिए। हमने कहा पैसे का आपका डिमांड है, लेकिन पहले हमारा काम कर दीजिए। वो कह रहे हैं हमको एडवांस चाहिए। हरदोई के मल्लावा में नशे में धुत चार लोगों ने गांव के ही परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज के साथ घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की। बीच बचाव करने आए प्रधान प्रतिनिधि गजेंद्र प्रताप सिंह को दबंगों ने पुलिस के सामने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाल शेषनाथ सिंह एक युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां मिश्रित तहसील के HDFC बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण लोन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी मिश्रिक अनिल कुमार ने ग्रामीण लोन महोत्सव का आयोजन किया। आपको बता दें कि ये ग्रामीण लोन की सुविधा मिश्रिक शाखा में उपलब्ध रहेगी। शाखा प्रबंधक महेंद्र गुप्ता ने अतिथियों को फूल देकर स्वागत किया। SDM अनिल कुमार ने HDFC बैंक की सराहना करते हुए कहा कि बैंक अधिक से अधिक लोगों की सेवाओं के लिए उपलब्ध होकर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। हरदोई में PRD जवानों की ड्यूटी लगाने के नाम पर PRD के एक अफसर पर रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि PRD जवानों की पॉइंट के हिसाब से ड्यूटी का काम दिया जाता है, और इसमें जो मालदार पॉइंट है उसमें ड्यूटी लगाने के नाम पर उनसे पैसों की वसूली की जाती है। वायरल हो रहे इस वीडियो में पिहानी इलाके के PRD के एक अधिकारी का बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फरीदाबाद के अरावली के जंगलों में एक सूटकेस में कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम के अलावा क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। ये कंकाल काफी दिन पुराना लग रहा है, अभी इस कंकाल का पता नहीं चल पाया है कि अवशेष पुरुष के है या महिला के। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। एक ट्रॉली बैग में लावारिस डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जिस पर हम आए हैं। FSL की टीम आई है अब, और हमारी क्राइम ब्रांच भी टीम आई हुई है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन का मैटर भाई ये जेंट्स की है या लेडीज़ की अभी ये पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि कम से कम ये 1.5-2 महीने की डेड बॉडी लग रही है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है किस कहाँ से क्या कोई मिसिंग पर्सन है क्या है, ये आफ्टर पोस्टमार्टम ही पता लगेगा। देवरिया में नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे तैसे नजदीक आ रही है। सभी प्रत्याशी अपना जोर लगाने में जुटे हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 14 प्रत्याशी पद पर चुनाव लड़ रहे प्रमोद जायसवाल ने शिक्षा और विकास का महत्व बताया। आपको बता दें कि प्रमोद जायसवाल ने अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि जो भी हमारे पिछले 5 वर्षों में अधूरे कार्य हैं उसे मैं पूरा करने का कार्य करूंगा। जायसवाल ने कहा कि मैं युवा हूँ और युवा सभी मेरे साथी हैं, और युवाओं के लिए हर संभव मदद करने का कार्य करूंगा। चुनाव में आए हैं कि हमारे जो विकास अभी रुका हुआ है, विकास रुका हुआ उसको पूरा कराया जाए। मान लीजिए अभी रोड टूटा फूटा है, एक आवास नहीं मिला अभी किसी को, नाली अभी जर्जर पड़ी है। हरदोई में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी कांग्रेस में जान फूंकने का काम कर रहे हैं, और जिले में
भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद को सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान जिला अध्यक्ष को अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी नहीं पता है। इस बात से जग जाहिर है कि जिले और प्रदेश में कांग्रेस कितना सक्रिय है। डीएपी की कमी को देखते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का नाम ब्रजलाल खाबरी के स्थान पर अजय कुमार लल्लू दर्शाया गया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। जो खाद की किल्लत है, रात रात भर किसान सहकारी समितियों के बाहर लाइन में लगा है, उसको खाद नहीं मिल रही, बुआई बिल्कुल चरम पर अपने है, ऐसी स्थिति में खाद जा कहाँ रही है? हम प्रशासन से पूछने आए कि आपकी रैके आ रही हैं, सहकारी समितियों आप कह रहे हो हमारे पास खाद है, लेकिन खाद जा कहाँ रही? किसान को तो मिल नहीं रही, और सहकारी समितियों में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो सचिव लोग बैठे हैं वो खादों की कालाबाजारी कर रहे हैं। भाई अगर खाद सहकारी समिति अगर जा कहाँ रही है, तो इस खाद की कालाबाजारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में जो सिंडिकेट बनाकर उनके अध्यक्ष और सचिव पूरी खाद को ओपन मार्केट में रिटेलर्स को दे रहे हैं, वहाँ से लोगों को परचेज करना पड़ा, ये पूरा जो सिंडिकेट मुनाफाखोरी में लगा है, इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। रायबरेली में महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव के पास कार और लोडर की भिड़ंत हो गई। महिला की मौके पर मौत हो गई है, इसमें दो अन्य घायल हो गए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक महिला अपना खेत देखने जा रही थी, तभी महिला चपेट में आ गई। घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि लोडर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानु ने पदाधिकारियों ने प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। धरना स्थल पर एसडीएम तहसीलदार पहुंचे, किसानों ने तमाम समस्याओं में अवगत कराया। आपको बता दें कि किसानों द्वारा जो पत्तियों को जलाया जा रहा है, उन किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, जिस पर SDM ने कहा कि ईक की पत्तियों को ना जलाएं, उन्हें गौशाला में दान करें। किसानों की समस्या को सुनकर SDM ने समाधान करने का आश्वासन दिया है। जनपद बुलंदशहर की तहसील शिकारपुर में हमारे द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर एक किसान पंचायत रखी गई थी, जिसमें जो किसानों की समस्या है वो आज हमने उप जिलाधिकारी महोदय शिकारपुर के सामने रखी। तो हमारा अनिश्चितकालीन धरने का कार्यक्रम था, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई आश्वासन और कुछ समस्या मौके पर निस्तारण कर दी गई, इस वजह से ज्ञापन देकर आज की पंचायत हमने अपने वरिष्ठ जो पदाधिकारी गण हैं, यहाँ बुजुर्ग हमारे मौजूद हैं, उनके कहने पर समाप्त कर दी गई है। कासगंज में खंड विकास अधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार और कोतवाली प्रभारी हरिभान सिंह पंचायत घर धूबी दियाई पहुंचे। वहां से संचालित ब्लूटूथ माइक के जरिए गांव के समस्त ग्रामीणों को यातायात की नियमों की जानकारी दी और उन्हें वाहन चलाते समय उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया, जिसका प्रसारण हर क्षेत्र के गांव में हुआ। आपको बता दें कि यातायात माह जागरूकता अभियान के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोतवाली प्रभारी हरिभान सिंह ने यातायात के नियमों के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक किया। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।